सावन साहब आप शुरू करो। सावन साहब आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल आपका कौन सा? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब किसी भी वजह से वीकली 20 मूविंग एवरेज पे पहली बार आता है तो वहां डेफिनेटली एक रिस्क बेस्ड एंट्री लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इस पूरी रैली में जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है वो इंडिगो है। काफी दिनों बाद वीकली 20 दिनों के एवरेज पे आया है, सो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग नजरिया रखना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में 4200 के जस्ट नीचे 4195 स्पॉट रख के एक पोजिशनल टारगेट 4400 का रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा, 4400। बाटा नंबर्स कमजोर है, खासे कमजोर है। तो आशीष जी यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे अहम बात ये होगी कि मंथली चार्ट पे ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा वीकनेस आएगा। बट अब मुझे लग रहा है कि ट्रेंड चेंज के आसार नजर आ सकते हैं। हम 1515 पे क्लोज हुए थे, अगर किसी भी वजह से स्टॉक हमें 1490-1480 इस जोन में मिल जाए तो एक रिस्क पे अप्रोच रखिए और 1460 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। यहाँ से मुझे लग रहा है अगर 1460-1470 जोन होल्ड करता है सो कंफर्टेबली हम फिर से एक बार 1550-1560 इन लेवल्स तक आ सकते। प्रशांत जी आपने क्या पिक किया? तो अनुज जी मेरी ट्रेड मेट्रोपोलिस थी क्योंकि अभी मानस जी ने वो डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसको चेंज करके इतना लैब पे बाय रिकमेंडेशन दूंगा। करीबन 1340 स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1320 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 1320 यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 1390 का। प्रशांत जी एक बार जीमर एयरपोर्ट्स का चार्ट देखिए। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आ रहा है, दूसरी बात कल के भी मार्केट में इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे जो कि एक अपने आप में स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है ये 103 तक के लेवल तो कंफर्टेबली जा सकता है। टेलो के थोड़ा नजदीक करीबन 97-97.50 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हैं, और ये स्टॉक अगर 103 को क्रॉस कर दे स्पॉट लेवल तो शायद ये और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा के 105-106 इन लेवल्स तक भी जा सकता है। प्रशांत जी सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो अनुज जी यहाँ पे मुझे ऑटो सेक्टर में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और इनमें मुझे लग रहा है M&M ये काफी अच्छे अहम सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, सो इसकी जो 2700 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 75-76 पे चल रही है, इसको खरीदेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 58-60 के नीचे, 55 तक भी रख सकते हो सेफर स्टॉप लॉस। यहाँ से जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है वो टारगेट 1 होगा 110 और टारगेट 2 होगा 125।